दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितने पैसों में आप एक रोल्स रॉयस कार को खरीदते हो, उतने पैसों में तो अगर आप चाहो तो 10-10 लाख रुपयों वाली 30 से 40 कार्स तो खरीद ही सकते हो। अब अगर आप इस फैक्ट को सुनकर चौंक गए हो तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर उतने प्राइस में इतनी सारी गाड़ियाँ खरीदी जा सकती हैं तो आखिर ये रोल्स रॉयस को खरीदना ही क्यों है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको रोल्स रॉयस के बारे में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि आखिर रोल्स रॉयस इतनी महंगी क्यों है। दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोल्स रॉयस के सबसे खास फीचर्स में से एक है इसका लोगो, जो कि देखने में ही इतना शानदार है और इसको देखकर हर किसी का मन तो डोल ही जाता है और वो इसे चोरी करने का सोचता है। आपको बता दूं कि इस एम्बलम की कीमत लगभग $8,000 से भी ऊपर होती है, जो कि करीब करीब 5.5 लाख रुपयों के बराबर है। और वैसे लोग अपनी मर्जी से कस्टम मेड मटेरियल का एम्बलम भी लगवाते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, डायमंड्स, गोल्ड और व्हाइट गोल्ड। और इसीलिए रोल्स रॉयस ने इसके एम्बलम को चोरी होने से बचाने के लिए इसमें एक खास किस्म का फीचर डाला है, जिसमें अगर कोई इसका लोगो बाहर खींचने की कोशिश करता है तो वो लोगो अपने आप नीचे की तरफ चला जाता है। दोस्तों, इस कार का एक और शानदार फीचर है इसका कन्वर्टिबल रूफ। इस कार में एक ऐसा बटन लगा है जिसे बस एक बार प्रेस करते ही आपकी कार की रूफ बस कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाएगी। शायद आपको ये बात ना पता हो कि रोल्स रॉयस की कार्स आज तक दुनिया में जितने भी लोगों ने खरीदी है उनमें से 75% कारें आज भी सड़क पर चल ही रही हैं। ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि इस कार की कीमत 3.5 करोड़ रुपयों से तो शुरू होती है और रोल्स रॉयस ने इस बात को अभी भी रिवील नहीं किया कि आखिर इस कार की कीमत कितना ऊपर तक जा सकती है। रोल्स रॉयस का ये कहना है कि ये कस्टमर पर डिपेंड है कि आखिर वो एक कार पर कितना पैसा खर्च सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आज तक की सबसे महंगी रोल्स रॉयस कार जो किसी कस्टमर ने खरीदी है वो है $20 मिलियन की, यानी कि 206 करोड़ रुपयों की। और साथ ही में रोल्स रॉयस की एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि रोल्स रॉयस की एक फैंटम सीरीज की कार बनाने में 6 महीनों का समय लग जाता है। वैसे शायद आपको ये बात हैरान कर दे कि जहाँ किसी को एक रोल्स रॉयस खरीदने में सारी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाती है, वहीं बर्नोई के सुल्तान के पास 500 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस की कारें मौजूद है और उनके नाम पर आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। और सन 1990s में पूरी दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयस कारें बेची गई थी उनमें से आधी से ज्यादा कारें सिर्फ बर्नोई के सुल्तान ने ही खरीदी थी। आपको बता दें कि इस कार को एक रॉयल स्टेटस का सिंबल माना जाता है। इस कार के इतना महंगे होने की वजह जो है वो और कुछ नहीं बल्कि हैंडमेड बनावट है। इस कार के बहुत ही कम काम ऐसे हैं जो मशीनें करती हैं, वरना इसके सारे काम हैंडमेड ही होते हैं, ताकि जो कोई भी इस कार में बैठे उसे अपनापन ही महसूस हो। इस कार का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जहां भारत के महाराजा राजा जय सिंह रॉयल्स रॉयस के कार के शोरूम में गए थे, लेकिन वहां के सेल्समैन ने उनका ये कह के अपमान कर दिया कि वो यहां से चले जाएं, ये कार बहुत महंगी है। इसके बाद राजा जय सिंह ने उसी शोरूम से ऐसी 10 गाड़ियां निकलवाई और वापस भारत में ले जाकर उनका इस्तेमाल कपड़े उठाने और ले जाने के लिए किया। अब तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत के राजाओं महाराजाओं से वो ऐसे बात करेंगे तो वो इन गाड़ियों का ये हाल तो करेंगे ही। अब राजा ने रॉयल्स रॉयस की गाड़ियों का जो भी हाल किया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गाड़ियां कचरा उठाने के लायक है। रॉयल्स रॉयस की कंपनी अपने कस्टमर को 44,000 अलग अलग तरह के कलर्स प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा अगर आप हीरो से जड़ी हुई कार की डिमांड करते हैं तो भी रॉयल्स रॉयस आपको प्रोवाइड करा ही देगी, बस आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कार में वैसे एक और फीचर बहुत ही शानदार है जो आपको रात के समय में कार में बैठे ही नाइट स्काई का नज़ारा दे सकती है। दोस्तों, वैसे आपको लगता होगा कि रोल्स रॉयस की कार्स ज़्यादा दुबई में पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोल्स रॉयस को हांगकांग में सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं। आपको बता दूं कि ये एक लिमिटेड एडिशन कार है और इसी वजह से रोल्स रॉयस की एवरेज के हिसाब से एक साल में 4,000 कार्स बिकती हैं। दोस्तों, वैसे आप फ्यूचर में कौन सी कार खरीदना चाहोगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।